हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बनाना सीखेंगे कि हम सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल, या हिंदी में हम जिसे कहें साधारण शंक्वाकार प्रक्षेप एक मानक अक्षांश के। तो प्रश्न है, ड्रॉ ए सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल व्हेन द आरएफ इज 1:200,000,000, यानी कि जो हमारा प्रदर्शक भिन्न है वो 1:200,000,000 है, एंड द लेटिट्यूडनल इंटरवल इज 15 डिग्री, यानी अक्षांशीय अंतराल 15 डिग्री है, और लॉन्गिट्यूडनल इंटरवल इज 30 डिग्री, यानी कि देशांतरीय जो अंतराल है वो 30 डिग्री है, और द स्टैंडर्ड पैरेलल इज 45 डिग्री नॉर्थ, और जो हमारा मानक अक्षांश है वो 45 डिग्री उत्तर को माना गया है। तो सबसे पहले हम करते हैं ये कल्पना कि हम एक ऐसे ग्लोब की कल्पना करेंगे जिसके ऊपर के शंकु को रखा जाना है, क्योंकि ये शंकुआकार प्रक्षेप है, कोनिकल प्रोजेक्शन है, तो कोण या शंकु को हम किसी एक ध्रुव के ऊपर रखते हैं। तो यहाँ जो हमें प्रश्न दिया गया उसमें हमें उसे उत्तरी ध्रुव पर रखना है। तो वो कोण हम जो रखेंगे, तो वो जिस साइज के ग्लोब पर रखेंगे उसका साइज हमें निकालना होता है, तो उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ ग्लोब। तो सबसे पहले हम निकालते हैं रेडियस ऑफ ग्लोब, उसके लिए हमारा फार्मूला रहता है आर एफ, यानी कि जो हमें प्रदर्शक भिन्न दिया गया है जो कि इस केस में 1:200,000,000 है, गुना में एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ। ये हम कल्पना करते हैं सभी प्रक्षेप में, ये अगर हम सेंटीमीटर में लेंगे तो ये 640 मिलियन सेंटीमीटर होता है। तो हम इसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। आरएफ की जगह पे हमने लिख दिया 1/200,000,000 गुना में जो एक्चुअल रेडियस है वो है 640 मिलियन सेंटीमीटर। तो इसको जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा हमारा 3.2 सेंटीमीटर, यानी कि इस प्रश्न के हिसाब से हमें जो ग्लोब बनाना है वो होगा 3.2 सेंटीमीटर का। अब दूसरी गणना जो हमें इस केस में करनी पड़ेगी वो यह थी कि प्रश्न के अनुसार हमें 15 डिग्री और 30 डिग्री का अंतराल दिखाना है। 15 डिग्री हमें दिखाना था अपना अक्षांश के लिए और 30 डिग्री हमें अंतराल दिखाना था देशांतर रेखाओं के लिए। तो 15 डिग्री का अंतराल निकालने का जो फार्मूला है वो रहता है कि जो हम इक्वेटर के लिए एक फार्मूला यूज करते थे पहले 2πr, वो हम यहाँ पर भी यूज करेंगे, लेकिन इसके साथ ही चूंकि 2πr में हमें पूरी भूमध्य रेखा की लंबाई मिल जाती है और वो पूरी भूमध्य रेखा की लंबाई 360 डिग्री के बराबर होती है जबकि हमें मात्र 15 डिग्री की चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि 2πr गुना में 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री कर देंगे तो हमें 15 डिग्री का डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो हमने इसको कैलकुलेट करने के लिए ये कर दिया 2 गुना में 22/7, यानी कि पाई की वैल्यू लिख दी 15/360। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें सिर्फ 15 डिग्री का निकालना है, गुना में रेडियस यानी कि 3.2 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.838 सेंटीमीटर। अब ये ध्यान रखना है कि हमें 0.838 ही लेना है, अगर ये हम 0.9 ले लेते हैं या 0.8 पर छोड़ देते हैं तो आपकी पूरी प्रक्षेप गलत हो जाएगी, तो बहुत एक्यूरेटली आपको इसको मेजर करना पड़ेगा। इसके बाद है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ 30 डिग्री। अब ये 15 डिग्री की निकाली थी, अब 30 की भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। या दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि जो हमने 15 डिग्री का भी डिस्टेंस निकाला है इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमें वही वैल्यू मिलेगी, और अगर हम इस फॉर्मूले से करेंगे जो 15 के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया था वही 30 डिग्री के लिए 2πr का फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो उससे डबल वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 1.676 सेंटीमीटर। तो हमें दोनों वैल्यूज मिल गई, इनको हमें आगे इस्तेमाल करना है। अब इसमें रचना करते वक्त हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम जो है एक ऐसा सर्कल लगाएंगे जिसका अर्ध व्यास है 3.2 सेंटीमीटर, ये ग्लोब को बताएगा। तो ये हमने पहला सर्कल लगा लिया, इसमें हमने प्रकार खोली थी 3.2 सेंटीमीटर और ये ग्लोब को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद हमने ईस्ट वेस्ट की एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसके बीच में एक लाइन हमने नॉर्थ साउथ की ड्रॉ कर दी है। नॉर्थ वाले लाइन को हमने थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ाया है, ऐसा हमने इसलिए किया है कि हमने कल्पना की है कि हम जो नॉर्थ है उस पर एक हम शंकु को रखेंगे और वो शंकु को रखने के लिए हमने इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ाया। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक 15 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये कोण आप डी से या आप जो प्रोटेक्टर होती है उसकी मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। एक हम 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, इसमें से जो पहले वाला 15 डिग्री का कोण बनाया था वो हमने बनाया था अक्षांश रेखाओं के अंतराल के लिए, और जो हमने 30 डिग्री का कोण बनाया है ये बनाया है हमने देशांतर रेखाओं के अंतराल के लिए, और एक कोण हम और बना रहे हैं वो है 45 डिग्री का। ये 45 डिग्री का कोण हमने बनाया है मानक अक्षांश के लिए, यानी कि एक ऐसा बिंदु जो जहां पर के ध्रुव जो अपना शंकु है और जो आपका ग्लोब है वो दोनों जिस बिंदु पर छुएंगे उसे हम कहते हैं मानक अक्षांश। ये वो अक्षांश है जिस पर हमने कल्पना की है, ये अक्षांश होगा यहाँ पर जो 45 डिग्री का, ये अक्षांश है एक्चुअल में
इसके ऊपर हम कल्पना करते हैं कि जो हमारा शंकु है वो छुएगा ग्लोब को, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप एक 30 डिग्री के जितनी प्रकार खोलेंगे, जो हम भी अपने पीछे कैलकुलेशन की थी आपने देखी होगी 15 डिग्री और 30 डिग्री के लिए, तो 30 डिग्री के लिए हमारा उत्तर आया था 1.676 सेंटीमीटर। आप उतनी प्रकार खोलते हुए एक चाप लगाएंगे, यानी कि चाप में आपने जो सुई वाला हिस्सा है प्रकार का वो यहाँ पर रखना है और पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ रखना है, और इसकी लंबाई रहेगी 1.676 सेंटीमीटर, और उस चाप को आपने यहाँ पर इस प्रकार से लगा देना है। वैसे क्वार्टर में ही लगेगी, सारे में नहीं लगाते हम, सिर्फ इतने हिस्से में एक बार लगाएंगे। ये लगाने के बाद फिर हमने एक छोटी चाप, एक लंब और गिराना है छोटा सा, ये वहां से गिराना है जहां पर हमारा 45 डिग्री यानी कि मानक अक्षांश जो कोण बनाया था हमने, वो जहां पर इस चाप को छुएगा वहां से लगाना है ये। और कहां तक लगाना है, जहां पर ये नॉर्थ साउथ की लाइन जा रही है वहां तक बढ़ाना है। लेकिन इसमें विशेष ध्यान जो देना है हमें वो ये है कि ये लाइन बिल्कुल भी थोड़ी सी भी ऊपर या नीचे टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल इसके समानांतर होनी चाहिए जो हमारी ईस्ट वेस्ट की लाइन है, क्योंकि इसको थोड़ा सा भी आप नीचे की तरफ अगर कर देंगे या ऊपर की तरफ कर देंगे तो ये लाइन की लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जिससे आपकी पूरी प्रक्षेप जो है उस पर फर्क पड़ेगा और वो उसकी शेप खराब हो जाएगी। तो बहुत प्रिसाइजली शार्प पेंसिल रख के आपने ये काम करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक इसको नाम दे देंगे एक्स और वाई, ताकि बताने में आसान हो जाए बाद में हमें कि कितनी लंबाई की प्रकार खोलनी है। इसके बाद हमने ये करना है कि ये 45 डिग्री का जो हमारा हमने एंगल बनाया था, यानी कि जो एक अक्षांश रेखा हमने यहाँ मानी थी जिस पर कि हमारा जो शंकु है छुएगा, तो हमने शंकु को बनाने की कोशिश की है। शंकु कैसे है ये देखिए, यहाँ से ये शंकु की एक भुजा यहाँ तक आ रही है, इसको आगे तक बढ़ा देंगे तो शंकु बन जाएगा, और इसको इस तरफ को भी अगर हम 45 डिग्री का कोण बना दें और इसको ऐसे बढ़ा देंगे तो भी ये पूरा एक कोण की तरह दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रक्षेप में हम चूंकि पूरी कोण नहीं दिखाते, थोड़े से हिस्से में ही उसको बना करके दिखा देते हैं, तो हमने छोटा सा हिस्सा बना दिया। ये कैसे बना, हमने इसको 0 डिग्री माना है, यानी कि 75 जो 45 डिग्री की आपकी लाइन थी इसको हमने जो है 0 डिग्री मान लिया। डी को आप यहाँ रखेंगे सेंटर में, आधी डी इधर होगी आधी डी इसके उस तरफ होगी, तो वहां से अपने 90 डिग्री का कोण बनाना है और उसको यहाँ तक ऐसे बढ़ाते जाना है। कहाँ तक मिलाएंगे हम, जब तक कि ये नॉर्थ साउथ वाली लाइन को ऊपर जो हमने बढ़ाया था वो और जो ये वाली लाइन दोनों आपस में मिल नहीं जाती, उस बिंदु तक हम इसको लेकर के जाएंगे। उस बिंदु को हमने नाम दिया है ए और दूसरे बिंदु को हमने नाम दिया है बी। ये दोनों नाम हमने इसलिए दिए हैं ए और बी, ताकि हम जब आगे कैलकुलेशन करेंगे उसमें बता दिया जाए कि ए बी जितनी प्रकार खोलनी है तो वहां समझने में आपको आसानी हो जाए। इसके बाद आप इस पर नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट और सेंटर ये मार्क कर देंगे। अब हम आते हैं मुख्य प्रक्षेप की तरफ। मेन प्रोजेक्शन में आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ। इस पर आप क्या करेंगे, ये लाइन लगने के बाद आपने ए बी जितनी प्रकार खोलनी है, इतनी ए से बी तक की प्रकार, इतनी खोलने के बाद आपने यहाँ एक सी बिंदु हमने मान लिया जहां से हमें शुरू करना है इसको। ये सी बिंदु जैसे मैंने बताया कि आप अपनी मर्जी से थोड़ा ऊपर नीचे ले सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मैंने जैसे बताया था कि इसको बहुत ज्यादा ऊंचाई पे या बहुत ज्यादा नीचे हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर प्रकार की नोक को रखते हुए, यानी कि जो सुई वाला हिस्सा है वो यहाँ रखेंगे, और हमने जो ए से बी लंबाई ली है उसमें से दूसरा हिस्सा जो पेंसिल का है वो यहाँ नीचे की तरफ रखेंगे और एक चाप लगा देंगे। ये चाप आपने थोड़ी बड़ी लगानी है दोनों तरफ, क्योंकि हम जब चाप लगाते हैं तो वो दोबारा अगर लगाने की कोशिश करेंगे, छोटी रह गई तो वो दोबारा कई बार वहीं पर पेंसिल नहीं टिकती और वो दो निशान दिखने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए हमें जो है थोड़ी बड़ी चाप लगानी है। बाद में जरूरत होगी तो हम उसे मिटा सकते हैं, तो थोड़ी सी बड़ी चाप यानी कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी थोड़ी ऊंचाई तक आप इसको ले जाएं। अब आपको ये एक मानक अक्षांश मिल गया, यानी कि एक ऐसा अक्षांश जिस पर जो ग्लोब और जो शंकु है वो एक दूसरे को छूते हैं, तो ये हमारे पास एक अक्षांश रेखा आ गई 45 डिग्री की। अब हमें इसके ऊपर जो है देशांतर रेखाओं के निशान लगाने हैं। तो देशांतर रेखाओं के निशान के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए जो एक्स वाई की हमने एक टेंजेंट ली थी, ये एक्स और वाई की, इतनी प्रकार आप खोलते हुए एक्स से लेकर के वाई जितनी प्रकार खोलते हुए आप यहां से इस बिंदु से, ये देखिए ये बिंदु जहां 45 डिग्री की लाइन इस नॉर्थ साउथ वाली लाइन को टच कर रही है, यहां पे प्रकार को रखते हुए आप 6 निशान लगाएंगे इस तरफ को वेस्ट में और 6 ही निशान लगाएंगे आप ईस्ट में। 6-6 हम इसलिए लगा रहे हैं कि 30-30 डिग्री के अंतराल पे जो हमें देशांतर रेखाएं खींचनी है, तो इस तरफ को जाएंगे तो 6 निशान का मतलब 180 डिग्री और इस तरफ को भी 6 निशान का मतलब है 180 डिग्री ईस्ट। तो ऐसे कुल मिलाकर के हमारे 360 डिग्री पूरी हो जाएंगे। तो हमने इसका पहला निशान लगाया, देखिए यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर प्रकार का नोक रखेंगे आप, अब अगला निशान लगा देंगे, ऐसे करते हुए आप जो है 6 निशान यहाँ लगाएंगे और इसी प्रकार से ईस्ट में भी आप ये 6 निशान लगाएंगे। ये निशान लगने के बाद अब आपको देशांतर रेखाओं का अंतराल जो है वो पता चल गया, कितने कितने गैप पे लगेगी।
ये 30-30 डिग्री के अंतराल पर लेनी थी हमने, तो 30-30 डिग्री के अंतराल पर ये लाइन आपको मिली है, क्योंकि हमने ये चाप जो लगाई थी ये वाली, ये 30 डिग्री की ही लगाई है, ये 30 डिग्री पे ही टेंजेंट हमने गिराया था, तो ये 30 डिग्री की एक तरीके से गैप को रिप्रेजेंट करती है। अब बात आती है कि बाकी की अक्षांश रेखाएं कैसे लगेगी। अक्षांश रेखाओं का जो हमारा अंतराल है वो है 15 डिग्री, और हमने मैथमेटिकली अभी पिछली स्लाइड में कैलकुलेट कर लिया था कि 15 डिग्री का गैप दिखाने के लिए हमें कितनी प्रकार खोलनी पड़ेगी, 0.838 सेंटीमीटर। तो अब आप क्या करेंगे, 0.838 जितनी प्रकार खोलते हुए इस लाइन से, इस बिंदु से जहां से आपने अभी अभी देशांतर रेखाओं के निशान लगाए, इस बिंदु से 3 निशान ऊपर की तरफ और 3 निशान नीचे की तरफ लगाएंगे। ये अक्षांश रेखाओं के अंतराल को बताएंगे, जैसे 1, 2 और 3 ऐसे ही नीचे की तरफ लगाएंगे, 1, 2 और 3। ये क्या बता रही है, ये 45 डिग्री की अगर लाइन है, चाप है देशांतर अक्षांश रेखा की, तो ये 60 डिग्री है, ये 75 डिग्री अक्षांश, और ये 90 डिग्री ध्रुव। नीचे की तरफ हम जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ये हो जाएगा 15 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री, यानी कि भूमध्य रेखा। तो ये 6 निशान आपको मिल जाएंगे। अब आपने क्या करना है, स्केंद्रीय चाप लगानी है। स्केंद्रीय का मतलब है कि आपने जो प्रकार की नोक है वो हर बार यहाँ रखनी है इस बिंदु पर, सी पर, और उसके बाद हर बार प्रकार को आप पहले इतना खोलेंगे, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, इतना अलग अलग खोलते हुए हर बार एक ही केंद्र से अलग अलग चाप लगाएंगे। जैसे 1, 2, 3 ये लग गई, और फिर अंदर की तरफ 3 लग गई। अब इसमें ये भूमध्य रेखा है, ये 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री। ये ध्यान रखना है कि 90 डिग्री जो है इसमें एक बिंदु नहीं होता, इसमें एक चाप के रूप में इसको दिखाया जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक स्केल लेंगे, उस स्केल से आपने एक बिंदु उसका स्केल का सी पर रखना है, दूसरा बिंदु आपने इस पॉइंट पर रखना है पहले वाले बिंदु पर, और इन दोनों को एक साथ सीध में रखते हुए आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो लाइन आपकी भूमध्य रेखा तक जाएगी। लेकिन उसमें ध्यान क्या रखना है कि भूमध्य रेखा की तरफ तो यहां तक ले जाएंगे आप, लेकिन जो ध्रुव की तरफ जाते हुए है, क्योंकि हमारा ध्रुव 90 डिग्री पे यहां खत्म हो गया, इसलिए हम इसको लाइन को बढ़ाएंगे जरूर, लेकिन यहां तक नहीं लेके जाएंगे उस लाइन को, हम उसको यहां पर ही खत्म कर देंगे, क्योंकि 90 डिग्री हमारी पूरी यहां पर हो जाती है। जैसे ये देखिए, हालांकि बिंदु वहीं से मिलाना है आपको इसको यूं, लेकिन वो हिस्सा हम ड्रॉ नहीं करते, इस हिस्से को छोड़ देते हैं। ऐसे ही फिर दूसरी बार आप क्या करेंगे, सी को और दूसरे बिंदु को एक साथ रखते हुए ऐसे सीध में दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें भी आपने 90 डिग्री तक ही उसको मार्क करना है। फिर ऐसे ही आपने 90 डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर 150 डिग्री और फिर 180 डिग्री। ये वेस्ट की खींची है, अब आप ईस्ट की खींच लेंगे, 15, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। तो ऐसे आपकी एक जो है मानक अक्षांश एक वाली जो प्रक्षेप है वो तैयार हो जाएगी। और आप इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि ये जो आपने चाप लगाई है छोटी छोटी, ये वाली चाप हो या ये वाली चाप हो, इन्हें बहुत मामूली सा अंतर होने पर भी प्रक्षेप या तो ये बहुत ऊपर तक चली जाती है या बहुत पहले खत्म हो जाती है अगर आपने थोड़ा सा भी निशान गलत लिया। क्योंकि आप एक में जो अंतर पैदा करते हैं वो अंतर यहाँ पर बहुत कम लगता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो आपका यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखाई देना शुरू हो जाता है छठे तक जाते जाते। तो इसलिए आपने प्रिसाइजनेस का बहुत इसमें ध्यान रखना है, पेंसिल को शार्प भी रखना है। अब आप इसके अंदर जो है अक्षांश देशांतर रेखाओं के जो है वो नंबर लिख दीजिए, 0, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, और फिर इसी तरीके से आपके देशांतर रेखाएं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। ईस्ट वेस्ट में भी हम इसी तरीके से लिख देते हैं सभी के नंबर, और उसके साथ लिखने के वेस्ट, और ये हमने SP लिखना है। SP का मतलब है स्टैंडर्ड पैरेलल, यानी कि हमने ये कल्पना की है कि यह वह अक्षांश है जिसके ऊपर के हमारे ग्लोब के ऊपर शंकु को छू रहा था, और यही हिस्सा इस प्रक्षेप का सबसे शुद्ध और सबसे बढ़िया हिस्सा भी होता है। ये नॉर्थ हो जाएगा आपका, 90 डिग्री यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद आप इसका हेडिंग लिख सकते हैं, जब कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल, और बाकी की जो डिस्क्रिप्शन है वो नीचे आ जाएगी। RF 1:200,000, इंटरवल लेटिट्यूडनल 15 डिग्री और लॉन्गिट्यूडनल 30 डिग्री, और हमारा जो स्टैंडर्ड पैरेलल था वो था 45 डिग्री नॉर्थ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।